के रख ला। रात में अगर मच्छर काटी तो एक जला के रख ली हा। नहीं तो दोनों परानी के भोर तक मच्छर भमोर के खा जाई सन। और जे जग में पानी रख दे ले बानी, रात में प्यास लगे तो इसे लेके पी ली। अब दोनों चले आराम करा। आप बहुत थक गए होंगे, अब सो जाइए। नीचे ही सो रही हो क्या? नीचे सोगी तो ठंडा लग जाएगा ना। एक काम करो, यहाँ काफी जगह है, तुम यहीं सो जाओ। बुआ जी, इनको बात बताइए लेकिन ईमानदारी से कि हम कितना खूबसूरत हैं। अरे वैशाली, चांद भी शर्मा जाए तुमको देख के। और वैसे भी खूबसूरती तो तुमसे टपकता है। तब हमारा एक कोहिनूर रूप देख के बाकी जी पर कोनो असर काहे नहीं पड़ता है? काहे वो हमको छोड़ के हमसे हजार गुना कम अनसुईया के पल्लू से चिपके रहते हैं? बताए ना बुआ जी, काहे? जानती हूँ वैशाली, ब्रज जो एक खूबसूरती है ना, वो एक आदमी को कवि तो बना सकता है, उसे कविता भी लिखा सकता है, लेकिन एक पत्नी से उसका पति को छीन लेना खाली खूबसूरती के भरोसे संभव नहीं है। तब आप ही बताए ना बुआ जी कि हम ऐसा क्या करें कि एक पत्नी से उसका पति छीना जा सके।
थोड़ा धीरज रख बिटिया, हम तुमको एकदम ही धां से उपाय बताते हैं। बैठ बैठ, अभी तुरंत आते। माई, ये सब कहा? ये सब सिंगार के सामान हम खरीद खरीद के रख ले बानी तोहरा खातिर। ये सोच के कि जही तो हमरे लगे आई बू तो ये सब सामान तह के दे देगी। देख बेटिया, ये इम्पोर्टेड लिपस्टिक, इसको जब तुम लगाएगी ना, मेरा जो इस सुंदर सुंदर होठ है ना, गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा सुर्ख बन जाएगा। और ये है लाली, ये जो तुम्हारा लाल लाल गाल है ना, इसको ये सिनूरिया रंग का एकदम चटक बना देगा, समझी? बुआ जी, ये पेन के जैसा कहा है? इसको कहते हैं आईलाइनर। जो तुम्हारा कटीला नैन है ना, इसको एकदम दूधधारी तलवार लगेगा। जौना भी एक बार देख लिया ना तुम्हारे आँख को, कट मरेगा। जानती है, इस ना पुतली के ब्याह में उसको सजने संवरने के लिए हम पटना से मंगाए, लेकिन अब हमको लगता है कि बांके को अपना रूप जाल में बांधने के लिए तुमको इस सब हथियार का इस्तेमाल करना होगा। अब आप देखते रहिए बुआ जी, वैशाली का रंग रूप कैसा बदला मिलेगा आपको। अरे आप तो वैशाली खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएगी कि उसके अंदर कौन सी अप्सरा समा गई है। आ गई लो तल्ला, अपना सब सामान की जिम्मेदारी रख। ना माई, ये सब सामान तो वैशाली खातिर रखता। अब ऐसे भी हम ये सब सिंगार पटार ना करेली, हमरा क्या अच्छा ना लगे। ऐसे मत बोला, अरे ये सब नई नवेली दुल्हन के तो सजे सवरे के हक होला। ये सब तू रखा और एकरा के इस्तेमाल भी करिए। देखा, ये दिन बीत जाए तो फिर लौट के कबहू ना आई। प्यारी माई, हम कहली ना कि हम सजे सवरे नहीं ना, हमरा के ये सब अच्छा ना लागेला। अब ऐसे देखिए, हमरा माथा पर उनके नाम का सिंदूर ऐसे चमक रहल बा जैसे सुबह के उगल सूरज होके, और उनकरा के नाम के बिंदी ऐसे सजल बा जैसे भाल पर चंद्रमा। एकरा से बढ़िया और कौनो भी सजावट हो सकेला का हमरा खातिर? माई, सब लोग कहाँ बैठल बजा के? अरे दुनु जीजा साला वो सारे में बैठ के बतिया रहल बानी जलो। माई, हम हो जाता नहीं बाहरी मटर भी छिला जाए और भी सेक ले। हाँ हाँ, जा उलट बतियावल भी हो जाए बहरे। हाँ Thank you.
का बात है भैया जी, इतना टेंशन आए काहे लग रहे हैं? ले हम चूस चूस के बैठिए ना जी, बैठिए। लेम चूस लेंगे? अरे महाराज आप मजाक काहे करते हैं, मैं परेशान हूँ। आपसे का कहें हम, जानते हैं होनहार लड़का का पहचान जो है ना वो पलने में ही हो जाता है। और हम एक ऐसा इंसान हूं कि हम अपना बेटा को ही नहीं पहचान पाया, अब आपसे का छुपाऊं? मालूम है हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गए। अरे जोरू का गुलाम हो गया हूं ना लायक, जोरू का गुलाम, वो लड़की के खातिर जिसको अपने घर का दाई भी ना बनाओ जी। तो बर्बाद हो गया हूं मैं, टोटल बर्बाद। चोर महाराज आप तो ऐसे ही नर्वसिया रहे हैं जैसे दुनिया का यही इंड हो गया है। अरे हम मानता हूं ये बखत बाके के दिलो दिमाग पे अनसुईया का हैंगओवर है, लेकिन ये हैंगओवर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जिसको हम नहीं उतार सकूं। नहीं ना जाइए, बैठे काहे के लिए हैं, जाइए हाजीपुर और जाके उतार आइए उसका हैंगओवर। उस ससुराल में तो आप ही का इंतजार कर रहा है ना, है? आप भी ना महाराज, खाली मुहे से पूरा दुनिया को जीत दिएगा काजी। उस ससुरा अगर यहां होता ना भी तो जूता से मार के उसके दिमाग से अनसुईया का भूत उतार देता। ओ माय गॉड, तम्मय से सठिया गए हैं लेम चूस चूस। क्या बोले है? क्या बोले जी, जब कुछ बोले तो यह कि बांके को बुलाना चाहते हैं ना। हाँ तो निकालिए फोन और लगाइए नंबर और रोते हुए कहिए कि बांके बेटा जल्दी भाग के आ जाओ, खेत में आग लग गया है, या फिर कहिए खलिहान गंगा माई के पेट में समा गया है, वो दौड़ा चलाएगा, या हम निकाले फोन, ले आए फोन, करिएगा बात। अरे धरिए ना महाराज, आप भी जो है ना मेहमान एकदम घोड़े पर सवार रहते हैं काजी। अरे ये हमको सोचने दीजिए कि इसमें कितना नफा नुकसान है। ना इससे नहीं फरियाने वाला है। सुनिए एक बात तो बताइए, वो कहतवा आप सुने हैं कि नहीं सुने? एगो चरवाहा था और एगो भेड़ी। चरवाहा जो है रोज हल्ला करता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, मालूम है ना? एकदम सुने हैं भैया जी, वो है ना जिसमें उस चरवाहा का लोक पर से फेत हट गया था और एक दिन सचाऊ का भेड़िया आया और वो चिल्लाने लगा, अरे बचाओ भाई भेड़िया आया, बचाओ भाई भेड़िया आया, लेकिन कौनो लोग उसको बचाने नहीं आया। लेम चूस चूस के, है ना? हाँ एकदम सही कहे आप मेहमान, एकदम सही कहे। अब आप हम ही को देख लीजिए ना महाराज, ये बाके के सामने हमें बहाना कर करके एकदम से वह चरवाहा के तरह बन गया। अब हम बाके को कुछ भी कहूंगा ना वो हमारा बात का विश्वास नहीं करेगा। और वो जो आप आग लगने वाली बात कर रहे हैं ना, उसका भी कोनो फायदा उधर नहीं बुझे। अब हम ही को भाई और उपाय सोचना होगा।